दोस्तों YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल है AR हीरो होंडा यामाहा। दोस्तों आज मेरे पास अपाची RTR 160cc आई है। दोस्तों इसमें मैंने सारी गाड़ी देखी है चेक करके, लेकिन इसमें सब एक्यूरेट है। ये देखो मैंने इसके टैपिट वगैरह सब चेक कर लिए हैं, कार्बेटर वगैरह सब चेक कर लिया, और इसमें फॉल्ट क्या निकला है, इसका जो फॉल्ट है ये वाला जो पाइप है, ये यूरोटो वाला जो पाइप है, ये यूरोटो वाला पाइप चूहे ने खा रखा था, इसलिए हमारी गाड़ी की सिलो सही नहीं रुक रही थी। ठीक है दोस्तों, और अब हम इसे निकालते हैं और दूसरा पाइप बदलेंगे। ये हमने प्लास की मदद से ये पाइप निकाल लिया हमने, और ये गाड़ी हमारी ना ही तो माइलेज दे रही थी और ना ही सिलो रुक रही थी। ये देखो कितना चूहे ने पाइप खा रखा है, ये देखो बिल्कुल बेकार हो रखा है दोस्तों। और अब हम इसका ये पाइप बदलेंगे। पाइप बदलने के बाद में देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम इसे पाइप को बदलने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये चूहे ने सारा खाका बिल्कुल बेकार हो चुका है दोस्तों। ये देखो कभी भी ऐसा फॉल्ट आवे तो फौरन ये पाइप बदल दो। यूरोटो वाला पाइप है ये, इधर से निकाल लेंगे हम। इधर से निकालने के बाद में ये पूरा पाइप चेंज कर देंगे। ठीक है, ये यूरोटो है हमारी अपाची की, ये देखो इसमें लगी हुई है यूरोटो। यूरोटो हमारी बिल्कुल सही थी। ये पाइप हमने लेके ये हमने क्लिप लगा के इसमें फिट कर देंगे। ये फिटिंग करने के बाद में ये देखो हमने फिटिंग ये कर दी। ये देखो फिटिंग कर दी हमने। फिटिंग करने के बाद में ये लॉक लगाएंगे इधर। ये लॉक लगाने ज़रूरी हैं दोस्तों। ये देखो ये ज़रा सा फॉल्ट था और गाड़ी ना ही तो माइलेज दे रही थी और ना ही स्लो रुक रही थी। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये अब देखो, अब हम इसे स्टार्ट करके देखेंगे इसकी सिलो वगैरह। ये देखो स्टार्ट भी सही हो रही है अब और सिलो भी सही रुक रही है। ठीक है दोस्तों,